ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827366। चाहिए रेडमी 6A? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। सागर में कोविड 19 कोरोना वायरस संक्रमित महामारी के दौरान पीडब्ल्यूडी का अमला जमीनी स्तर पर मुस्तैदी से मोर्चा संभाल कोरोना योद्धाओं के तौर पर संक्रमित क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस अमले में तैनात दल के सभी 21 सदस्य पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम देने में जुटे हैं। दिन हो या रात, यह अमला हमेशा सक्रिय दिखाई देता है। जहां भी किसी संक्रमित व्यक्ति के मिलने की पुष्टि होती है, उस स्थान के आसपास सुरक्षा के लिहाज से संक्रमण नहीं फैले, साथ ही लोगों की आवाजाही न हो, इस बात का ख्याल रख सुरक्षा कवर की दीवार रूपी बैरिकेडिंग करने मोर्चा संभाल लेता है। जहां बैरिकेड और कटीले तारों के द्वारा सुरक्षा का घेरा बनाने में इस दल के योद्धाओं की विशेष भूमिका देखी जा रही। कृष्णगंज से पहला मामला सामने आने के बाद से ही पीडब्ल्यूडी के यह कर्मवीर योद्धा पूरी निष्ठा से उन्हें सौंपे गए दायित्वों को अब तक मोर्चा संभाले बखूबी अंजाम दे रहे हैं और कंटेनमेंट जोन में बैरिकेड की सुरक्षा दीवार बनाने में जुटे हैं। निरंतर नित नए क्षेत्रों से संक्रमित मरीज आने के बाद भी इनके हौसले में कहीं कोई कमी नहीं है और ना ही संक्रमण के खौफ का डर इनके चेहरे पे दिखाई देता है। दल में मौजूद ज्यादातर सदस्यों की उम्र 40 से 50 के भीतर होने के बाद भी इनके कार्य करने की क्षमता गजब की मैदानी स्तर पर दिख रही। जहां अधिकारी से मिली सूचना के बाद पूरी चुस्ती के साथ तय स्थान पर पहुंच महज कुछ समय में ही कंटेनमेंट एरिया को बैरिकेड से सील कर देते हैं। ऐसे समय में इनके कार्य करने के जज्बे की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। जहां ऐसे संकट के हालात में पीडब्ल्यूडी का यह अमला पूरी मुस्तैदी से जुटा कोरोना योद्धा का दायित्व निभा रहा। क्या नाम है आपका? ऐसा मुन्ना लाल विश्वकर्मा। किस विभाग से आप? पीडब्ल्यूडी। ये जो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, वो संक्रमित महामारी का दौर है, तो इसमें आप लोगों की क्या भूमिका है पूरी टीम की? जहाँ पेशेंट निकलते हैं वहीं जाना पड़ता है, स्टाफन लेने लेकर वेरिफिकेशन करने। तो शासन की तरफ से या विभाग की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या आपको उपलब्ध है? जो सुरक्षा की चीज़ें हैं वो मिलती है। कितने दिन से लगे हुए हैं आप लोग? करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने से कोई टाइम भी रहता है कि कभी भी जाना? नहीं, कोई टाइम नहीं, रात में भी जाना, रात में भी जाना पड़ता है। टोटल कितने लोग हैं आपकी टीम में? टीम में तो 18 आदमी है, 18-20 आदमी। तो ये कब से लगे हुए? अब 2-2.5 महीने हो गया, करीब सनीचरी से ही लॉकडाउन है, जब से चल रहा है। संक्रमण के इस दौर में जो है कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे हैं? 2 महीना हो गया लगभग। क्या रहता है काम आपका? काम ये रहता है, जहाँ पे कोरोना नोविड के मरीज निकलते हैं, स्टापर लगाते हैं, वहाँ पे लॉक करते हैं। और हम लोग कम से कम ऐसे हैं, 4 टाइमकीपर हैं, 2 ड्राइवर हैं और 15 लेबर, जो कि लॉकडाउन में लगातार हम लोग दिन में भी और रात में भी काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के। और जो अभी क्या क्या ऐसी कुछ विशेष सुविधा मिली है आपको जो शासन की तरफ? सुविधा ये है कि जैसे सैनिटाइजर वगैरह हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लोग करवा रहे हैं और ड्रेसें वगैरह भी दी हैं उनने। वो सामान तो खैर हम लोगों को मिलता जा रहा है, शासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है।